वतन समाचार में विशेष बातचीत में हमारे साथ बातचीत के लिए गुजरात से जुड़ रहे हैं सौरभ पांडे साहब। सौरभ जी, एग्री बिजनेसेस के काफी किंग माने जाते हैं, आपका एग्री बिजनेस में काफी काम है, आप इस नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, कॉलेजेस भी चलाते हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो अपने बारे में आप बताएं कि एग्री को आपने बिजनेस के साथ कैसे जोड़ा, क्योंकि फार्मिंग तो गरीबी पेशा माना जाता है, बहुत लोअर क्लास के लोगों का एक बिजनेस माना जाता है आजाद भारत में, आपने देखा होगा। हाँ, ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि फार्मर को हम लोअर क्लास का मानते, बट ऐसा है नहीं। अगर आप देखें कि अगर हमारी दुनिया का फर्स्ट स्टार्टअप जिसे हम कहते हैं एक उद्यमिता, अगर जो सबसे पहले था वो कृषि ही था, फार्मर हमारा सबसे पुराना एंटरप्रेन्योर जो है वो फार्मर ही है। हाँ, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया वो एक थोड़ी सी अलग बात है, अदरवाइज सबसे पुराना जो आदिकाल से चला आ रहा है जो बिजनेस, जैसे आप कहेंगे भाई बिजनेस क्या होता है, जिसमें आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप कोई पैसा लेन देन करते हैं, आप उससे कुछ प्रॉफिट लेते हैं, तो एक बिजनेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो आई थिंक फार्मिंग वही है जो सबसे पुराना चला आ रहा है। हाँ, उसको थोड़ा सा हमने आप बिजनेस से एग्रीकल्चर को हमने ऐसे जोड़ा है कि जो आजकल बिजनेस के तौर तरीके हैं, जो मायने हैं, थोड़े से बदल गए हैं, आज लोग थोड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, तो वो सारी चीजें हम अपने फार्मर्स को भी कैसे दे पाए, उस चीज के लिए हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है हमने ये जो खोला है, इसका पर्पज ये है कि जब तक मार्केट में एग्री बिजनेस मैनेजर्स, क्वालिफाइड एग्री बिजनेस मैनेजर्स नहीं रहेंगे, सरकारें कितनी भी कोई स्कीम लेके आए वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। भाई, उनको चलाने के लिए आपके पास ग्राउंड पर एक टीम चाहिए, वो टीम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कॉलेज से आती है या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से आती है। तो हम उस एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के हिस्सा है, वहां से हम अपना जो है इस तरीके का जो सपोर्ट है इस इनिशिएटिव में प्रोवाइड कर। लेकिन सौरभ जी, एक बच्चा जो IIM अहमदाबाद का पढ़ा हुआ है, दुनिया तो बड़ी ग्लैमर की है, चकाचौंध की दुनिया है, वो एक बिल्कुल नीचे आकर के काम करना चाहता है और अपने दम पे स्कूल्स बनाता है, और शायद आपका स्कूल 40-45 एकड़ में फैला हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं बताऊं थोड़ा सा, आई थिंक ये कहीं ना कहीं पैशन की बात है। आजकल MBA करने के बाद इनफैक्ट बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में नया नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। आजकल आपने सही कहा कि हाँ, एक ऑप्शन था कि भाई ग्लैमरस लाइफ में चला जाया जा सके, बिल्कुल ऑप्शन था कि अपने इंडिया को भी छोड़ के बाहर कहीं सेटल हुआ जा सके, बट जब तक वो सामने आप कोई अगर वर्क करते हो, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो ग्राउंड पे नतीजा ना दिखे, तो आजकल के यूथ में वो है कि भाई अगर मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। तो ओरिएंटेशन उस तरफ बढ़ रहा है, मेरा ओरिएंटेशन भी उसी तरफ है कि अगर मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे वो दिखे कि भाई मैं सोसाइटी के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं बड़ी सिंपल फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर टीचर हैं, हम भी एक किसान फैमिली से आते हैं, मेरे दादाजी फार्मर थे, आज भी हमारे घर खेती होती है, तो मैं उन चीजों को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि यार एक किसान की जो है स्थिति, कहाँ परेशानी आती है, कहाँ वो प्रॉफिट ले सकता है, कहाँ उसका घाटा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो परवरिश है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि भाई मैं सोसाइटी में वापस आके कुछ इसमें करना चाहता हूँ। तो बस उसी सिलसिले में हम लोग ये सारा प्रयास कर रहे हैं और इसमें बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा इनिशिएटिव है। इसमें अपने जो डॉक्टर खान साहब हैं ICFA के चेयरमैन, वो उसमें बहुत काफी डीप लेवल पे इन्वॉल्व है, इसका प्रमोटिंग बॉडी है, और भी बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के जो सीनियर हैं, कॉर्पोरेट्स के जो सीनियर हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होगा उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एकेडमिक साइड में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफी लोगों का एक जो है एक ग्रुप है जो इस एक्टिविटी को ड्राइव कर रहा है। लेकिन इसको स्कूलिंग से कैसे आपने जोड़ा, क्योंकि हम आपकी भाषा शैली जब देख पा रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद आपकी जो परवरिश है वो काफी मतलब निखारी गई है, आपको जैसे दूध जो जलता है वही मीठा होता है। तो स्कूलिंग मतलब ये वैसे हमारे ना बिजनेस स्कूल है तो वो कॉलेज, जनरली जब बिजनेस की बात आती है तो हम उसको आजकल उसको हमने वैसे ये वेस्टर्न कल्चर है स्कूल के ना, तो उसको बी स्कूल हम कह देते हैं, बिजनेस स्कूल। तो कॉलेज हमारा पर्पज, मैं आपको बताऊं अहमद साहब, ये है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर फील्ड में जुड़े हुए हैं या उन्होंने कोई बेसिक उसमें जानकारी ली है, उनको बिजनेस के तौर तरीके, एग्री बिजनेस के तौर तरीके सिखाए जाएं, ताकि जब वो यहाँ से पास आउट होके निकले तो इसी फील्ड में जाके किसी ना किसी कॉर्पोरेट के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ या गवर्नमेंट के साथ इसी फील्ड में जुड़े रहे और कहीं ना कहीं एग्री बिजनेस को सपोर्ट करें। ये हमारा इसमें इस बिजनेस स्कूल का एजेंडा है। यानी फार्मर्स के लिए आप एक बैकबोन के तौर पे काम करना चाहते हैं और सरकारों और फार्मर के बीच में एक समन्वय का जो रोल हो सकता है वो करना चाहते हैं आप लोग।
बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ आप देखिए, जैसे सर भाई फार्मर्स को जब कोई परेशानी होती है तो वो सरकार के पास जाते हैं, सरकार उसके लिए एक स्कीम बना देती है। अब वो स्कीम फार्मर तक कैसे पहुंचे, उसके लिए बीच में आपको एक कड़ी चाहिए, एक लोगों की श्रृंखला चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जो उस चीजों को समझते हैं। तो ये जो श्रृंखला है, जो एग्री बिजनेस मैनेजर है, ये वही लोग हैं जो पूरी करेंगे। एक तो हमारे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं बीएससी करने के बाद, वो बच्चे हो गए, प्लस अगर उन्होंने बाद में फिर एमबीए भी कर लिया तो वो काफी पॉलिश्ड हो जाते हैं, काफी ट्रेंड हो जाते हैं चीजों को समझने के लिए, पॉलिसी लेवल पे काम करने के लिए। तो ये वही लोग हैं जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सौरभ जी एक चीज बताएं कि किसान तो बहुत गरीब होता है, उसके लिए डे टू डे की अपने लाइफ को मैनेजमेंट करना ही बड़ा मुश्किल होता है, बजाय इसके कि इस तरह के स्कूल्स में काफी हाई फाई फीस देकर के अपने बच्चों को पढ़ाए और खुद एक ऐसा बच्चा तैयार करे जो उसके लिए फ्यूचर में सपोर्टिव हो। देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100% एकेडमिक फीस हमारी जो अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दो तीन प्रोविजन। एक तो सरकार का जो प्रोविजन है एजुकेशन लोन का, भाई सरकार आपको मॉर्गेज फ्री, इसका मतलब कोई विदाउट सिक्योरिटी के लोन देती है। आजकल उसकी लिमिट 7.5 लाख रुपए है। अगर आपके यहाँ पे किसानी है या कोई भी रेगुलर इनकम है तो आपको 7.5 लाख रुपए तक का मॉर्गेज फ्री लोन मिल सकता है। उतना काफी होता है 2 साल की मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारी तो उतनी फीस भी नहीं है। प्लस हमने अपने कॉलेज में क्या किया है, हमारी जो टोटल फीस है उसका हम 55-60% पैसा बच्चों से तब लेंगे जब वो 2 साल बाद उनका प्लेसमेंट हो जाए। यानी कि 2 साल के बाद वो अपनी बाकी के एकेडमिक फीस जमा करेंगे, उसके पहले उनको सिर्फ 45% पे करना है, और उसके लिए भी हमने एजुकेशन लोन का प्रोविजन किया। तो ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जो सिर्फ अपना रहना खाने का खर्चा निकाल सकता है, ऐसे बच्चे भी आके एजुकेशन ले सकते हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। भाई मैं एक टीचर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है एक टीचर की सैलरी क्या होती है, एमपी गवर्नमेंट में मेरे फादर है। आईआईएम अहमदाबाद जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय लगभग फीस 17-18 लाख रुपए थी। तो भाई आप 17-18 लाख रुपए तो आप जो है इस तरीके से पे नहीं कर सकते। तो मैंने 100% पूरा एजुकेशन लोन लिया था और गवर्नमेंट ने उसमें पूरा सपोर्ट किया, वो एजुकेशन लोन आराम से जो है हमने ईएमआई में क्लियर कर दिया। तो वही चीज है। लेकिन सौरभ भाई आप जैसे कितने लोग हैं, जाहिर सी बात है मैंने बार बार कहा कि आपकी जो सभ्यता है, जो आपका कल्चर है, वो बहुत निखारा हुआ है। लेकिन यहाँ तो लोग एक पद पे जाने के बाद फिरौन बन जाते हैं, अपने आप को पता नहीं ईश्वर और परमेश्वर समझने लगते हैं, तो कैसे उस चीज को बांटा जाए? कितने लोग ऐसे सोसाइटी में हैं आप जैसे लोग जो तैयार हों और जो इस बात के लिए लोगों को तैयार करें, नहीं बच्चों को पढ़ाना है, अपनी नस्लों को पढ़ाना है, पैसा तो बाद में भी आ जाएगा। नहीं मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने ये सही क्वेश्चन उठाया है, ये बड़ी विडंबना भी है और बड़ा कंसर्न का विषय है कि आजकल जो फार्मर है वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसान बने। बड़ी अजीब बात है जो है, इसी चीज को हम थोड़ा बदलना चाह रहे हैं। तो किसान का बच्चा ये तो समझता है कि मेरे पापा को क्या क्या परेशानी होती है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। कहीं कहीं उसके मन में ये भी आ जाता है, यार इनको ये परेशानी हो रही थी, उसको परेशानी को सुधारा कैसे जाए। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते, तो ऐसे बच्चों की कमी नहीं है मैं आपको बताऊं। और जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलते हैं उसमें कम से कम अपने इंडिया से ये मान लीजिए कि 1-1.5 लाख बच्चा हर साल निकलता है। उसमें से अगर 1,000 बच्चा भी, मतलब 1% बात कर रहा हूं, 1-1.5 लाख में अगर 1,000 बच्चा भी इस तरीके से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करके इस फील्ड में एंटर करता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, काफी बड़ा एक ये नंबर है। और ऐसे बच्चों की बिल्कुल कमी नहीं है। लोग जिसकी परवरिश गांव से या छोटे शहरों से हुई है वो कहीं ना कहीं अपने घर से जुड़ा ही है, अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा देखा गया है, उसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। जो थोड़े बड़े शहरों के भी बच्चे हैं वो हो सकता है एग्रीकल्चर फील्ड में ना आए, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में चले जाते हैं, जैसे कि उससे बिजनेस एक्टिविटी में चले जाते हैं। हाँ हो सकता है वो जमीन पे फील्ड में ना जाएं, अपने जूते गंदे ना करें, उस पर धूल ना बैठने दें, ऐसे बच्चे हैं, बट लेकिन वो उससे जो रिलेटेड आस्पेक्ट है, जो रिलेटेड बिजनेस है, वहां जाके वो लोग काम करना पसंद करते हैं। तो बच्चे हैं ऐसा, मतलब आजकल मैं तो ये महसूस करता हूँ कि आपके जूते पे अगर धूल भी आ जाए तो आपको उसको बुरा नहीं लगेगा, जिस तरह मुझे नहीं लगेगा। भाई मैं तो जो है उसी से निकला हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही मैं अपने अपने बच्चों को भी। लेकिन आपने अपने दोनों प्रोफेशन को मैनेज कैसे किया? आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इतना बड़ा स्कूल कॉलेज चलाते हैं, उसके साथ आप टीचिंग के भी प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और फार्मिंग के भी प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों को एक साथ। फार्मिंग तो ऐसा है कि अब मेरे घर पे शुरू से हो ही रही है फार्मिंग, तो वो तो मेरे फादर बल्कि मुझसे अच्छा जानते हैं, मेरे दादाजी जो हैं वो मुझसे बढ़िया जानते हैं। हाँ तो उसमें ये कि जहाँ तक मेरे सपोर्ट बन पाता है मैं अपने घर पे करता हूँ फार्मिंग का। जहाँ तक टीचिंग की बात है वो मेरा पैशन है, और ये जो हमने इंस्टीट्यूट है वैसे भी हमारा ये प्रमोटिंग इंस्टीट्यूट है, जो हमको एक फैसिलिटी हमको उन्होंने प्रोवाइड करी है पूरे जो 43-44 एकड़ कैंपस में है, तो ये KCC इंस्टीट्यूट के अंदर हम ये कर रहे हैं, तो उनको हमारी प्रमोटिंग बॉडी है, उन्होंने हमें ये सपोर्ट दिया है।
एंड दोनों चीज टीचिंग जहां तक है मेरा पैशन है तो वो तो मुझे अच्छा लगता है, और फार्मिंग आप कह सकते हैं कि भाई हमारा रोजी रोटी है, वहां से हमारी ब्रेड एंड बटर आती है, तो घर पे जितना हो पाता है मैं अपना सपोर्ट करता हूँ इसके लिए। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं सौरभ भाई, फार्मर्स के बीच में और सरकारों के बीच में टकराव होता रहता है। सरकारें बहुत भरोसा दिलाती है कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो उनका भरोसा नहीं जीत पाती। हाल फिलहाल के दिनों में भी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर को लेकर के जो बिल आए उसमें भी टकराव अभी तक बना हुआ है, और आईफा जिसका आपने इंडियन फार्मर अलायंस जिसका आपने हवाला दिया वो भी सरकार के साथ सरकार की नीतियों से बहुत ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रही है। त्रिपाठी साहब इसके चेयरमैन हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। जी 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 जी, उसमें दो बातें हैं, मतलब एक ऐसे किसान जो मेहनत करके काम करते हैं और जो जब उनको उनका मेहनताना नहीं मिलता है तब उनको बड़ा गुस्सा आता है, या उनको जब समय पे वो चीज नहीं मिलती है जिसके लिए वो उनका हक है, या सरकार ने जो है उस चीज की पॉलिसी या सब्सिडी उनको दी है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो ऐसे फार्मर आप कह सकते हैं कि 50-60% होंगे, तभी जिनको ये बहुत अच्छे से पता है कि सरकार की स्कीम का फायदा उठाना कैसे है। भाई वो भी ऐसे फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर थोड़े से होते हैं जिनकी पहुंच अच्छी होती है या जो थोड़े पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मुद्दा वो लोग बना देते हैं। मैं बहुत ज्यादा देखिए मैं पॉलिटिक्स का इतना ज्यादा जो है मुझे जानकारी नहीं है, बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुद्दा वो बना जरूर देते हैं, बट जो असली फार्मर है जो सबसे हमारे यहाँ पे देखिए 80% तक तो मार्जिनल फार्मर ही है, जो छोटे किसान है भाई जिसकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम वही सबसे ज्यादा है। जो बड़े किसान है वो मुट्ठी भर है, तो मुट्ठी भर किसानों पे लोगों को दिक्कत तो कहीं आती भी नहीं है, दिक्कत तो हम वही बात है देखिए। हाँ मतलब अगर उनको वो पढ़े लिखे हैं मैनेज कर सकते हैं सारी चीजें तो बस कर लेते हैं, तो अब छोटा किसान यही है कि भाई मेहनत कर रहा है उसे उसका फल नहीं मिल रहा है, तो वो सरकार तक उनकी बात पहुंच रही है, उन तक उनका मुनाफा सब्सिडी पहुंच रही नहीं पहुंच रही है ये देखने वाली बात, तो ये सिस्टम का काम है। इसमें थोड़ा सा सिस्टम, इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व है, किसी एक को तो नहीं कोट करूंगा, बट आई थिंक ये पूरा एक चैनल है जिसमें सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा छोटे किसानों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए, उनका मुनाफा पहुंचाने। अच्छा, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ आप बताएं, जैसे अभी खान साहब से मैंने एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि मैं बचपन में भैंस चराया करता था, और शायद दुनिया का कोई ऐसा देश ना बचा हो प्रधानमंत्री मोदी की तरह जिसका उन्होंने भ्रमण न किया हो। एक गांव से निकला हुआ एक बच्चा आज पूरी दुनिया की सैर कर रहा है, रतन टाटा से लेकर के हर इंडस्ट्री के साथ वो बातचीत कर रहे हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के या वीकर सेक्शन के मुद्दे को लेकर। आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका जीवन कैसा रहा? मैं भी मतलब अब आपको बताऊं जो है मैं एमपी का रहने वाला हूं, जबलपुर का, जबलपुर के पास एक छोटा सा शहर है श्रीधाम, वहां का रहने वाला हूं। मेरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं आई एम अहमदाबाद जाऊंगा, या मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंग्लिश भाषा में बहुत अच्छे से बोलने लगूंगा जो है, और आज अपना एक स्कूल भी ओपन कर लूंगा बेसिकली कॉलेज जिसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। तो बचपन में तो ऐसा है कि हम बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि गांव के बच्चों के साथ पूरा खेलना, और हम जो है आपने अगर वो बचपन में गुल्ली डंडा तो खेला होगा आई एम श्योर, कंचा वाला गेम खेला होगा वो भी हमने खेला है, और लकड़ी से हमने टायर भी घुमाए हैं, जो बेकार टायर पड़े होते थे वो भी हमने दौड़ाए साइकिल वाले। तो बिल्कुल आम लोगों की तरह जैसे गांव में बचपन निकलता है वैसा ही मेरा निकला है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी थी और बहुत ज्यादा कमी भी नहीं थी, मतलब ये था कि जितनी जरूरत थी उतना ऊपर वाला दे रहा था। ये धीरे धीरे हम बढ़े इसमें, और सबसे पहले मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से पंतनगर से एजुकेशन ली, जो कि अपने आप में इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी है इन एग्रीकल्चर, वहां से उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा यार कि ये फील्ड, उसके पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि बस एग्रीकल्चर मतलब किसानी, किसानी मतलब परेशानी, ये 2-3 चीजें मेरे दिमाग में बैठी हुई थी बस, ये उसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा। जब एग्रीकल्चर से बीएससी किया और उसके बाद जब मैंने 2-3 साल जॉब भी करी कॉर्पोरेट में, मैंने शुगर फैक्ट्री में जॉब करी है, उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया अहमदाबाद से, तब मुझे लगा यार एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग के अलावा और भी चीजें हैं, परेशानी नहीं है ये, इसमें आप उसे मुनाफा की तरफ भी बदल सकते हो बहुत सारी चीजें। तब मैंने वो सारी चीजें सीखी और धीरे 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 जो है उसको समझा और फिर इस फील्ड में आया। इस दौरान मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला है, मैं रशिया में भी, मैंने एक वर्ल्ड यूथ फोरम है रशियन का, एक इवेंट हुआ था पूरे जिसमें सारे लगभग 123 देशों से बच्चे आए थे, वहां मैं गया था लगभग 10 दिन के लिए। फिर मुझे यूएस और कनाडा जाने का भी मौका मिला, तो वहां भी जाके मैंने काफी कुछ देखा सीखा, तो तब मुझे समझ आया कि नहीं यार एग्रीकल्चर में लोग काफी कुछ आगे कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में छात्रों का भविष्य कहां आप देख रहे हैं, क्योंकि छात्रों से आप जुड़े हुए हैं? जी देखिए, एक चीज है, अगर छात्र
सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आज आपने कोविड के समय भी देखा, एग्रीकल्चर ही केवल ऐसा सेक्टर था जो काम कर रहा था, बाकी सब बैठ गया था। हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर तो चलो जरूरी था, सिर्फ एग्रीकल्चर ही कर रहा था। तो एक चीज बता दूं, आगे आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है। छात्र अगर इस फील्ड में एंटर करते हैं वो कम से कम ये कि बिना नौकरी के तो नहीं बैठेंगे। इस समय गवर्नमेंट सरकार ने भी जो 3 फार्म ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मार्केट को ओपन करते हैं और अच्छा खासा एक एम्प्लॉयमेंट इन्वाइट करते हैं। तो मैं छात्रों से मेरी यही अपील है कि सबसे पहले आप एग्रीकल्चर को ना दयनीय प्रोफेशनल या ऐसी स्थिति में ना समझें। बिल्कुल नहीं, हाँ जी, एग्रीकल्चर अगर आप एंटर करना चाहते हो एक तो एक प्राउड होके और एक गर्व की तरह इसमें ज्वाइन कर कि आप एक देश की मिट्टी के लिए कुछ काम कर रहे हो और उसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हो और ये देश की मिट्टी आपको भूखा नहीं रहने देगी, इतना इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, इतना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मेरी जो है अपील है छात्रों से, अगर आप आए तो बहुत अच्छा है, इसमें करियर है, बिल्कुल आए। और इसमें इंडिया नहीं पूरे विदेश में बहुत बढ़िया करियर है। संक्षेप में सौरभ भाई बताएं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं छात्रों के लिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर बच्चा एग्रीकल्चर से, अब एग्रीकल्चर भी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, अगर एग्रीकल्चर से आप करते हैं तो सबसे पहले तो आप एक खुद भी फार्मर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज फिर उसमें आ जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें आजकल लोग बहुत ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्चर चल पड़ा है। तीसरी चीज उसमें आ जाती है आजकल जहां पे जमीनें नहीं है वहां पे लोग हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, अगर आपको उसका थोड़ा आइडिया हो, हाइड्रोपोनिक्स लोग करते हैं आजकल, पॉली हाउस फार्मिंग वगैरह पे लोग जाने लगे, तो पॉली हाउस में बहुत बड़ा अपना एक कल्चर है। फिर इन सारी चीजों से जो संबंधित क्षेत्र है जैसे माइक्रो इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। आजकल लोग सब्जियां इस तरीके से जो हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स होती हैं उसको उगा के बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, उसको आप फिर उसमें आप सप्लाई चेन में आ सकते हैं, भाई उन सब्जियों को एक शहर से दूसरे शहर में कैसा पहुंचाया जाए तो सप्लाई चेन में ऑप्शन है। फिर इन सारी चीजों को मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे ऑर्डर किया जाए तो आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इसमें ऑप्शन है। फिर जो है आप मान लो आपने गेहूं उगाया है, धान उगाया, तो उसको स्टोर कहाँ किया जाए तो कोल्ड स्टोरेज में, उसमें भी आपका एक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है। तो बच्चा ऐसा नहीं कि उसको एग्रीकल्चर में आने के बाद खेती ही करनी है, वो बहुत सारे एसोसिएटेड ऑप्शन है और इतने सारे ऑप्शन में कहीं भी वो जॉब अपनी हॉबी के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से पकड़ सकता है। आपकी क्लास भी है, लास्ट सवाल बताते चले कि किसानों के लिए क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में भी आपसे कहा और फिर भी कह रहा हूं कि किसान बहुत नर्वस होता है, जिसके पास लैंड्स बहुत कम होती है उसको इनसिक्योरिटी बहुत होती है, चाहे उनके बच्चों की फीस हो, चाहे वो ट्रीटमेंट का मसला हो, बहुत सारे मसाइल से वो घिरा होता है और उसको उसकी लागत भी नहीं मिल पाती, कई बार तो ऐसा होता है आपदा आ जाती है। जी, मैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से उस बेचारे उस समय में ही बोलूंगा कि भाई मैं क्या देखता हूँ। जब किसान जब ये देखने लगेगा कि जब उसकी अगली पीढ़ी भी फार्मिंग में आनी शुरू कर दी है, उस समय से आप मान लीजिएगा कि किसान अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, उसको लगेगा कि नहीं यार मैं भी ठीक वही काम कर रहा हूँ जो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी एंटर कर रही है। हमारे कॉलेज का वही टारगेट है कि बच्चा यहाँ से पढ़े जरूर लेकिन जाए किसानों के पास, अपने जूते गंदे करे, उसमें धूल मिट्टी लगाए और उनको दिखाए कि नहीं आगे आने वाली पीढ़ी भी एग्रीकल्चर में जा रही है जिस तरीके से आप कर रहे थे, बस थोड़ी बहुत एजुकेशन की फर्क है और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उस समय से किसान अपने आप को ना सिक्योर महसूस करने लगेगा कि यार हम सही प्रोफेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं किसी तरह से आप जिंदगी में तरक्की करते रहें और उस मंजिल पे पहुंचे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। आपका हमसे बात करने के लिए, उत्तर समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अमर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।